नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बर्ड्स केयर एंड इन्फो। और मैं हूं सुमित बर्मन। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि गर्मियों में बजीज पैरट को कौन कौन सी सॉफ्ट फूड देनी है और कितने टाइम देनी है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉफ्ट फूड देनी है। तो इससे आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे और जो आने वाली सीजन में ब्रीड करेंगे वो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो वीक के पहले दिन मंडे से शुरू करते हैं। आप मंडे के दिन उसे गेहूं दे सकते हैं। गेहूं को मंडे के पहले दिन संडे को पानी में डाल दें, क्योंकि गेहूं काफ़ी हार्ड होते हैं तो उसे फूलने में टाइम लगता है। मान लो कि आपने संडे को गेहूं को पानी में डाल दिया है, अब आपको मंडे के दिन उसे अच्छे से धोकर छान लें चलनी की मदद से, और अपने बजीज को या किसी भी बर्ड्स को दे दें, जैसे कि कोकाटेल हो या रबर्ड हो, आप फिंचेस को भी दे सकते हैं। अब आता है ट्यूसडे। आप ट्यूसडे के दिन उसे चावल दे सकते हैं। आप चावल को बॉईल कर लें, फिर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अब आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन क्या देना है? इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अब आगे बात करते हैं कि वेडनेसडे के दिन कौन सा सॉफ्ट फूड देना है। वेडनेसडे को भुट्टा दे सकते हैं, जिसे कॉर्न कहते हैं। कॉर्न इनके डाइट के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अब आती है थर्सडे। थर्सडे को आपको क्या देना है? थर्सडे को आप दे सकते हो काले चने, हरे मूंग की दाल और जौ। इन तीनों को आप मिक्स कर लें। इसकी क्वांटिटी होगी काले चने की 20%, हरे मूंग की 40% और जौ की 40%। इन तीनों को 24 घंटे पहले पानी में डाल दें और अगले दिन अच्छे से धोकर अपने बर्ड्स को दें। थर्सडे की बात हो गई। अब आती है फ्राइडे। फ्राइडे में आपको क्या देना है? फ्राइडे को आप रोटी दे सकते हैं। रोटी को आप 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर रोटी को आप छान लें, उसमें ज़रा सा भी पानी न रहे, और फिर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। कई लोग रोटी को ऐसे ही पानी से निकाल कर दे देते हैं, तो इनसे आपके बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं, तो आप ये गलती ना करें। अब आती है सैटरडे। सैटरडे को आप कद्दू दे सकते हैं, जिसे पम्पकिन कहते हैं। कद्दू फ्रेश होने चाहिए, जिसमें नाखून मारने से पानी निकलने लगता है। वो फ्रेश होते हैं और आपके बर्ड्स के लिए भी बेहतर होते हैं। वैसे तो वेजिटेबल्स रोज़ दे दिया करें अपने बर्ड्स को। अब आती है संडे। संडे को आप स्प्राउट्स दे सकते हैं। स्प्राउट्स कैसे बनाया जाता है? आप काले चने को पानी में भिगो दें कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, फिर उसे एक चलनी में छान लें, फिर उसे कहीं अच्छे जगह पर रख दें जहाँ हवा आती जाती रहती है। ये काम आपको 3 दिन तक करना होगा। उसमें हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी देते रहें, और फिर जिस दिन आप उसको स्प्राउट्स देंगे उस दिन अच्छे से धोकर उसे दे सकते हैं। ऐसा करने से उसमें अंकुर निकल जाता है, जो वाइट कलर का निकल जाता है, उसे ही अंकुरित चना कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है आपके बर्ड्स के लिए। और सारे सॉफ्ट फूड आपको दिन में एक ही टाइम देना है। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।